से मुमरा कौसा की जनता है वो ठगी हुई महसूस करेगी, किस पे भरोसा करेगी? भरोसा तो आज की तारीख में किस पे मत करो। जरूरत पड़ेगी तो आवाज साहब के साथ में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उतरेंगे। कहाँ उतरे, इधर है, देखो तो कोई नहीं दिख रहा है जो टिकट की लालच में जुड़े हुए। क्या आवाज साहब फोन कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। लिफाफा कौन है? एनसीपी से आ रहा ना, कैसा होता ना कॉर्पोरेशन में जो है हमारे नजीब भाई बैठते, वो फाइल भी रुक सकती है, बजट रुक जाएगा। मैं पार्टी में होता मैं जो है पुतला जलाता। कहा जा रहा है MIM की तरफ से कि आप जो है सिंधे साहब के काफी करीबी हैं, MIM में खाली नाम से है बस। आज जैसे मैं MIM की बी टीम लोग मुझे बोलते हैं, यानी कि MIM के जो वरिष्ठ नेता है उनका ही ध्यान मुमरा पे नहीं है। नारा दिया जा रहा है शेर आ गया, ये आ गया, बस वही है। कुछ भी नहीं, कोई शेर नहीं, कोई गिदड़ नहीं। 19 तारीख का आंदोलन था 32 एकड़ को लेके, जहाँ पे रिजर्वेशन पे जो है बिल्डरों ने जो है घपला कर लिया था। आंदोलन का है MIM के तो बड़े अधिकारी ये ढूंढ रहे हैं कि इन लोगों ने कुछ लिए तो मैं आगे एक्शन लूं। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, पार्टी पूरी MIM को 3 साल से इन लोगों ने खत्म कर दी है। नाम नहीं लिया, इशारा वहीं पर है। अच्छे अच्छे पॉइंट पूछ रहे हैं, मेरे को बहुत मजा आ रही है जवाब देने के लिए। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आपको बता दें कि जिस तरह से राजनीति हो रही है मुमरा शहर में भी, चाहे NCP पार्टी की बात करें या फिर और भी जो अन्य पार्टियां हैं उनकी बात करें, लेकिन अब जो है NCP पार्टी को लेकर जिस तरह से खामोशी नजर आ रही है, कहीं ना कहीं NCP पार्टी से ही नगर सेवक का चुनाव लड़ चुके सादिक अंसारी हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से आज के वक्त में मुमरा शहर का माहौल बन गया है और लोग जो है इस पे जो NCP के कार्यकर्ता कहें, NCP के पदाधिकारी कहें, वो जो है काफ़ी खामोश नज़र आ रहे हैं। क्यों खामोश है वो और क्या राजनीति हो रही है मुमरा शहर में, उसको लेकर हम बात करेंगे। साजिद भाई, क्या बताना चाहेंगे आप, जिस तरह से आप NCP से भी चुनाव लड़ चुके हैं नगर सेवक का, और आज NCP का जो हाल है वो किसी से छिपा नहीं है। मुमरा शहर के जो पदाधिकारी है, राजनीति है, उनकी खामोशी भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने जो है मुझे याद किया। मैं ये कहना चाहता हूँ मुमरा कौसा और जो कलवा मुमरा विधानसभा का जो क्षेत्र है हमारा, आज की जो हालत चल रही है मुमरा की, और जो लोग जुड़े हुए थे, मैं 2007 में जो है ना राष्ट्रवादी ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई था वो इलेक्शन लड़ा था। 2009 में जो है आवाड़ साहब मुमरा में आए, वो आने के बाद फिर हम लोग जो है आवाड़ साहब से जुड़ गए, तो मतलब उस पर कार्यकर्ता बनते बनते हम लोग ने मेहनत की। तो 2015 में जो है मेरे को जो है आवाड़ साहब ने टिकट दी, मैं अल्लाह का एहसान है जो मैं नगर सेवक बना। कि 2017 के ऐसे कुछ हालात हुए कि मैंने पार्टी को छोड़ दिया, मगर अभी मेरा ऐसा सोचना और ऐसा कहना है। मैंने अभी तो कुछ दिन पहले आपके चैनल पे एक कार्यकर्ता का इंटरव्यू देखा था फरज शेख के ताल्लुकात से, कि हमारे लीडर को जो है उसने ऐसा कैसा बोली, लीडर को बोली तो उनको इतना बुरा लगा। मेरा पूरे NCP के मुमरा से लेके कौसा तक रशीद कंपाउंड श्रीलंका के जितने भी कार्यकर्ता है उनके लिए एक मैसेज है, जो टिकट की लालच में जुड़े हैं, जो काम की लालच में, कुछ फाइल की लालच में, किसकी GP बिल्डिंग की लालच में, क्या व्हाट्सएप फोन कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, ये लालच को साइड में रखते हुए आज उनको व्हाट्सएप के लिए खरा उतरना चाहिए था। क्योंकि आपने देखा होगा आज से 5-6 दिन पहले व्हाट्सएप का फोटो बैनर जमीन पर रख के कालक लगा के क्रॉस मार्क करके उस पर चप्पल लाते मारे गई है। मतलब एक माजी मंत्री बराबर वही लोग मार रहे हैं जो एक टाइम पे उनको बॉस बोलते थे बराबर। जैसे आपने चैनल पे सुभाष बोर भाई चले गए ऐसा लोग बता रहे हैं, तो उस वक्त वही जो बोल रहे हैं ना, तो वही उस वक्त व्हाट्सएप से मिले हुए थे, आज अलग हुए। आज कुछ ऐसी जो है राजनीति में चेंजिंग हुई तो आज ये अलग हो गए। तो आज इन लोग को सबको क्या लग रहा है कि भाई व्हाट्सएप ही गलत थे। ठीक है, आदमी गाना का गलत रहता है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ होता है, मगर तुम तो खुद ही जुड़े थे ना, तो तुम उनको गलत बोल के क्या बोल रहे हो? तो एक उंगली मैं आप पे उठाऊंगा तो 4 उंगली मेरे पे भी आएंगी। अच्छा, जिस कार्यकर्ता की आप बात कर रहे हो उस कार्यकर्ता ने ये भी कहा बयान में कि जो हुआ विरोध प्रदर्शन, जो हुआ जो मारे गए चप्पल जूते, वो नहीं होना चाहिए था। खैर, वो अलग हो गए पार्टी से, दूसरी पार्टी NCP ही अलग बनाए,
इस वजह से उन्होंने विरोध किया, ये नहीं होना चाहिए था ऐसा उनका कहना। और ये भी कह रहे थे कि जरूरत पड़ेगी तो आभार साहब के साथ में मुमरा कौसा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उतरेंगे। कहाँ उतरे, किधर है, देखो तो कोई नहीं दिख रहा है आपको, दिखा मुमरा कौसा में। मुंह से कुछ ही नहीं होता इस्लामुद्दीन भाई, रोड पे खड़े होके कुछ करना पड़ता है। आज मैं पार्टी में होता होता तो मैं 101% मैं जो है पुतला जलाता हूं। जिसने जो किसका पुतला जलाते हैं, जिसने आवाज साहब को जिसपे जो कालक पोची है। नाम बोलना थोड़ी जरूरी है, नाम से किसी को पॉपुलर नहीं करने का। मेरे को मालूम मुझे क्या करने का था, मैं रहता तो, क्योंकि मुझे ना टिकट की लालच है, ना मेरे को उनसे फाइल की लालच है, ना मेरे को कोई काम चाहिए। मगर एक एक आज एक इंसान का वक्त हल्का सा हिल गया है तो उसके साथ में लोगों को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसने जो है उनके लिए बहुत कुछ किया है, उनके लिए कहा ना कहा उनके बहुत काम निकाले हैं आवाज साहब से। मगर उन लोग ने आवाज साहब के लिए नहीं खड़े उतर रहे हैं, कोई कार्यकर्ता खाली जो है बज रहे हैं। अच्छा, आप जो है आवाज साहब के कहने का विरोधी में माने जाते हैं, तो अभी इतना प्यार कैसे आपके अंदर आवाज साहब के लिए जग गया कि आप सामने आ गए? काना का कैसा होता ना, मैं भले विरोधी हूँ मगर काना कैसा ना, मेरे को एक चीज तो मानना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र का वो MLA बराबर ना, मेरी नहीं भी जमरी होगी तो एक MLA की इज्जत देना मेरा काम है। और इसका मतलब ये नहीं कि वो मैं विरोध करूं। आज बुरा वक्त है तो मैं देख रहा हूं, हर चैनल पे न्यूज़ देख रहा हूं आपकी, हर किसी की, कोई सी भी जो इंडिया है वो कोई सी भी न्यूज़ है उस पर सब पे देख रहा हूं। मगर आज एक इंसान का वक्त जो हिल गया है तो उसके साथ में लोगों को खड़ा होना चाहिए बराबर। आज जैसे मैं MIM की बी टीम लोग मुझे बोलते हैं, देखो आज मेरे पार्टी पे कुछ होएंगे हालात तो मैं खड़े रहूंगा, कंधे से कंधा मिला। मगर मेरा बोलना ये है, मैं भले विरोध करूं, मैं कुछ भी करूं, मगर मैं ये बोलना चाहता हूं मुमरा कौसा के कार्यकर्ता के NCP के आवाज साहब के लिए, उनको रोड पे आके कुछ ना कुछ करना चाहिए था, जो ये लोग नहीं कर रहे हैं, जो ये लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ खाली पीछे खड़े रह रहे हैं, आवाज साहब इंटरव्यू देते हैं। अच्छा, जो NCP के पदाधिकारी हैं वो भी कह रहे हैं ऐसा कि सैयद अली भाई साहब का बयान है, वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ता मुमरा कौसा के डर रहे, इससे डर रहे आखिर। आप भी बोल रहे हो कि ये लोग उतर नहीं रहे सामने। अरे भाई साहब कैसे ना, अपने बड़े भाई है और कैसे उनको ज्यादा मालूम है। अब डर रहे तो पहले तो मैं ये बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, अल्लाह से डरो। कैसा होता ना, कॉर्पोरेशन में जो है हमारे नजीब भाई बैठते हैं बराबर ना, तो नजीब भाई का कैसा है, मतलब अभी कैसे कुछ कार्यकर्ता जो है फाइल यहाँ से लेते हैं, वो फाइल भी रुक सकती है, बजट रुक जाएगा, आदमी पैदल हो जाएगा, क्योंकि मैंने समझो तो आपसे पैसा कभी लेके उस फाइन में लगा हुआ हूँ। अभी TMC बिल्डिंग में लोग बना रहे थे उसमें कितने खड्डे रहते, तो कहाँ ना कहाँ किसी की कमजोरी, इसलिए लोग हो सकता नहीं निकल रहे हो। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, सब अल्लाह देने वाला अल्लाह लेने वाला है, अल्लाह की जात पे भरोसा रखो और कहाँ जुड़े हैं तो ईमानदारी जुड़ के उसके लिए मोहब्बत में आगे बढ़ के आओ। अच्छा, अगर विधानसभा चुनाव आता है तो नजीमुल्ला के भी खड़े होने की बात हो रही है, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे, नजीमुल्ला को या जितेंद्र रावत? अभी हमारे असद साहब कोई पार्टी को जो है कोई कैंडिडेट देंगे MIM का, तो इंशाल्लाह जाहिर सी बात हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आप बोल रहे हैं MIM पार्टी जो है वो भी टीम, भले ही आप हैं लेकिन पार्टी का जो फैसला होता है वो करते हैं। MIM के लोग टोरेंट के लिए जो है यहाँ पर कुपोषण किए, भूख हड़ताल पे बैठे थे, तो बी टीम कहाँ थी, कहाँ थे आप लोग? बी टीम को दावत नहीं दी गई थी पहले तो, कैसा ना सुनो इस्लाम तो एक दावत क्या, जब तुम्हारे पार्टी के लोग बैठे हैं तुम वो आना चाहिए वहाँ। वो पार्टी के लोग हमारे हैं, इससे अब मैं तो कभी इनकार नहीं करके हमारे पार्टी के लोग नहीं है, मगर कैसा होता है ना कि पार्टी के लोग जो वरिष्ठ रहते ना उनको कार्यकर्ता को याद करना पड़ता है। और एक बात बताओ ना, जो मुद्दा आप लेके बैठे थे वो मुद्दा सही था क्या? टोरेंट के लिए एक ही मुद्दा था, तो टोरेंट यहाँ से हटा और उसके लिए अपने को हाईकोर्ट जाने का था, तब 10 मुद्दा लेके बैठे होंगे। अब बताओ ना, वही अभी हमारे पार्टी के लोग, अभी जैसे आपने छेड़े तो बोलता हूँ, वही हमारे पार्टी के लोग फेसबुक पर लिखते हैं मौलाना लोग से माजा पिए लोग ने, आंदोलन तोड़े। हाँ, आंदोलन किससे तोड़े, तो ये सब नहीं बोलने का। देखो अपना अमल अपने साथ लेके जाएगा। अभी ऐसा हो गया कि NCP के उलमा अलग हैं और MIM के उलमा अलग हैं, ऐसा डिवाइड हो गया। नहीं, उलमा तो देखो सब एक ही अल्लाह को जो है मतलब सिजदा करते हैं, ये अपनी अपनी सोच हो गई कि वो राष्ट्रपति के वो MIM के, ऐसा नहीं है, ये इनकी सोच हो गई हमारे MIM की, जो ए टीम बोल रहे ना अपने आपको, वो इनकी ऐसी सोच हो गई है कि वो राष्ट्रपति शहर में उस वक्त ऐसा चर्चा हो। हाँ, ये मौलाना सूफ, आप फेसबुक खोलोगे ना, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का बढ़ावा देना नहीं है, आप जब फेसबुक खोलोगे ना तो उधर पे लिख के आएंगे मौलाना सूफ है। तो मेरा ये सवाल है उनसे, 10 दिन तुम आंदोलन में बैठे हो,
बराबर, और वो आंदोलन भी एकदम सही नहीं, 10-10 मुद्दा लेके बैठे आप। आपको तो एक मुद्दा लेके बैठना चाहिए ना। मैं बोल रहा हूँ को हटाई दो, हटाने के लिए पेपर वर्क में भी करता हूँ, मगर हाईकोर्ट जाओ तो अब हाईकोर्ट नहीं जा रहे हो, आप साइन ले रहे हो, अब 10-10 मुद्दा। देखो फरज शेख बैठी थी, एक ही मुद्दा हॉस्पिटल का लेके, वो यूनियन था कि कल वो प्राइवेट हो जाएगा तो सबको तकलीफ होगी। अच्छा, आप लोग MIM के बी टीम है, लेकिन क्यों सपोर्ट नहीं करते आखिर? मतभेद ज्यादा है कि आप लोगों में, एक दूसरे का समर्थन नहीं करते आप लोग? पहली बात तो, और ये भी कहा जा रहा है MIM की तरफ से कि आप जो है शिंदे साहब के काफी करीबी हैं, MIM में खाली नाम से है बस। नहीं, कैसा है ना, शिंदे साहब तो अभी फिलहाल अभी CM बने, मेरा भाई तो जो बड़ा भाई है जावेद, वो कब से जुड़ा है, तो वो ताल्लुक से जो है, मैं शिंदे साहब से क्लोज नहीं हूँ, मगर खासदार साहब तो थोड़ा क्लोज हूँ मैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब मैंने पार्टी ज्वाइन कर लिया। अभी मेरा तो ये राष्ट्रवादी का नगर कार्यकर्ता था, फिर नगर से बना, आज भले राष्ट्रवादी में नहीं हूँ मगर पूरे राष्ट्रवादी से मेरे ताल्लुक आते, तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं राष्ट्रवादी का हो गया। तो वैसे मेरा भाई उधर में आता जाता तो मैं भी साथ में जाता, तो कहता छोटे साहब नाम से पहचानते, कुछ काम रहेगा तो मैं खुद डायरेक्ट फोन कर लेता हूँ, तो इसका मतलब मैं नहीं शिवसेना का हो गया, मगर ये है कि मेरे वक्त पे वो काम आए थे शिंदे साहब, ये श्रीकांत शिंदे साहब, मैं उनके इंशाल्लाह उनके लिए खड़े रहूँगा। दूसरा ऐसा है कि मेरा ये कहना है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है कलवा मुमरा के, उनको यहाँ दूसरा लेटर दिखाने बोलो कि उनको प्रेसिडेंसी वापस मिली क्या, तो उनके हर आंदोलन में तुमको साजिद अंसारी दिखेगा, मैं तो नहीं दिखूंगा। उनको दूसरा लेटर इशू की क्या हमारी पार्टी ने, 11 महीने का टर्म था, उन्होंने तो तड़ी पार में निकाल दिए, दूसरा लेटर कहाँ से आया प्रेसिडेंट का? तो अभी प्रेसिडेंट है वो या नहीं? अभी तो अपने को बोलते हैं, मगर हम तो जब वहाँ गए थे औरंगाबाद और वो गफ्फर कादरी साहब से मिले थे तो बोले वो नहीं है प्रेसिडेंट, भाई कहता हमारा तो 15। अभी आप लोग ही डिमांड कर सकते हैं ना, जब वो प्रेसिडेंट नहीं है तो एक नए प्रेसिडेंट को जो है बनाना चाहिए भाई। सब जगह हर चीज कर चुके हैं बराबर ना, मगर हमारे जो आला कमान है ना उनका कुछ काम नहीं है, कभी ये इलेक्शन कभी इलेक्शन, यानी कि MIM के जो वरिष्ठ नेता है उनका ही ध्यान मुमरा पे नहीं है। फिर यहाँ पर वो एक नारा दिया जा रहा है, शेर आ गया, ये आ गया, बस वही है, कुछ भी नहीं, कोई शेर नहीं, कोई गिदड़ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ भाव बढ़ाने का काम है, कुछ भी नहीं, कुछ तो भी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर विधायकी चुनाव में किसको कैंडिडेट उतारा जाएगा, क्योंकि MIM का जो विधायक कैंडिडेट उतारे जाते उस उन पर भी जो है लोग भरोसा कैसे करें, कभी कोई इधर भाग जाता है, कभी कोई वहां भाग जाता है। अब वैसे भी जो है ना वहाँ पे कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं ना, वैसे भी राष्ट्रपति की बी टीम है ना, अभी सब में से आप पूछोगे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे, हंसी आती है, जिनको महीने का खर्चा भी आता है, मतलब MIM में रह के और महीने का खर्चा भी आता है, समझे, जिनका घर चल रहा है। अच्छा, कौन कौन लोग हैं? मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं आप कितना ही में से पूछोगे नाम नहीं बताऊंगा, बरा ना, किसका किसका सेटलमेंट किससे हो गया है सब मालूम है, क्योंकि मैं राष्ट्रवादी में था ना तो खबर मिलती रहती है, तो कैसा है ना इस्लाम। यानी आप जो बोल रहे हैं, जो MIM मुद्दे लेके चल रही है 30 एकड़ 35 एकड़ का, टोरेंट का, ऐसे और सब मामले, तो आपके हिसाब से सब क्या लग रहा है, ये जेन्युइन मुद्दा नहीं है क्या आपके हिसाब से, क्या लग रहा है? 19 तारीख का आंदोलन था 32 एकड़ को लेके, जहाँ पे रिजर्वेशन पे जो है बिल्डरों ने जो है घपला कर लिया था, 19 तारीख तो चले गए मेरे ख्याल से ना, अभी अगली 19 आ जाएगी, तो आंदोलन का है मेरा सवाल अभी आपसे, वो आंदोलन का है, बिल्डर सेटअप हो गया, आंदोलन कहाँ है? अच्छा, ये सेटअप कैसे होते, क्या सेटअप होता है? सेटअप बिल्डर फोन करता है किसी वाया आदमी को कि भाई देखो तुम्हारा एक बंदा जो है अपनी उंगली कर रहा है, उससे बात करो, सेटअप हो जाता ना, दुनिया में सब कुछ होता है, क्या नहीं होता है, बात करने से सेटअप हो जाता। बात क्या, पैसे भी मिलते ना, पैसे मेन, बापू देखो, बापू भले अपने देश के लिए बहुत कुछ किए पर आज भी बापू चल रहे, बापू बापू की अहमियत बहुत है। तो कहा ना कहा, नहीं ये बोल रहा हूँ, 19 तारीख का जो आंदोलन था, इतने बड़े बड़े फेसबुक पे फोटो आ रहे थे, जब चालू करो फेसबुक तो फोटो आते थे 19 तारीख का आंदोलन, रिजर्वेशन प्लॉट पे जो ये बिल्डर का कब्जा, अरे भाई ठीक है तुमने पेपर वर्क किए पूरा पढ़ो, तो दावा कर रहे थे हम लोग इसको लेके कोर्ट में भेजाएंगे, MIM के बड़े जो पदाधिकारी है उन्होंने कह दिया है कि इस मामले को उठा लो। MIM के तो बड़े अधिकारी ये ढूंढ रहे हैं कि इन लोगों ने कुछ लिए तो मैं आगे एक्शन लूं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये ताल्लुक से मेरे को 8-10 दिन पहले एक फोन भी आया था, ये लोग भाई जरा जब पता करके दो ना कुछ आंदोलन बैठे ने किया है। तो आप तो जिस हिसाब से बता रहे हिसाब से मुमरा कौशा की जनता है वो ठगी हुई महसूस करेगी, किस पे भरोसा करेगी? भरोसा तो आज की तारीख में किस पे मत करो सिवा अल्लाह के सिवा, मगर बोलने मतलब ये है
कि आप आवाम के लिए कुछ करना चाहते हो तो ईमानदारी से करो, बराबर ना। मैंने आपको इससे पहले ही बोला, देखो देने और लेने की इजाज़त अल्लाह की है, बराबर ना। जब तुमको अल्लाह भरोसा ही नहीं रहेगा, बराबर, मैं भी कुछ भी करता हूँ बिंदास, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब तुम कर रहे हो तो मतलब, अगर मैं मेरे वार्ड के लोग आज भी मुझे फ़ोन करते हैं मैं उनके लिए जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोलता कि भाई मेरे से नहीं होएगा। मेरा एक करीबी दोस्त था एक ज़माने में, बराबर, हम लोग नजीमुल्ला के फॉलोवर थे, आज आपको बता रहा हूँ, नजीमुल्ला के फॉलोवर थे। तो अभी नजीब भाई तो आज ही दादा को चले गए, उनका बॉस अभी वो हो गया, पहले एक टाइम पे अवार्ड सब बॉस था, बराबर। तो मेरा ये सवाल ये है कि वो कार्यकर्ता का मर गया क्या, दिख ही नहीं रहा रोड पे, कहाँ गई मोहब्बत अभी नजीमुल्ला की? पीछे सामने जैसी में गया तो बॉस, पीछे जैसे हटा तो नजीब भाई। ये कभी सही आंसर ही नहीं किया, जो दिल में मुंह पे सामने बोलूंगा, किसी डरता वरता नहीं, अल्लाह का डर है, अल्लाह से डरूंगा, इनसे डरने डरने वाला नहीं मैं। तो अभी आप MIM के बी टीम, जैसे आप बता रहे हैं कि बी टीम और ए टीम भी है, कोई अभी अध्यक्ष पद पे है नहीं, और ये भी देखा जा रहा है कि जो पुराने कार्यकर्ता है जो शुरू से जुटे हुए हैं, बस वही 15-20 लोग MIM में दिखाई देते हैं, उसके अलावा नए लोग क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? ना MIM की बी टीम जोड़ पा रही है नए लोग को, ना टीम ए जोड़ पा रही है, क्या वजह है? एक अच्छे अच्छे पॉइंट पूछ रहे हैं, मेरे को बहुत मजा आ रही है जवाब देने के लिए। जब अरूप भाई प्रेसिडेंट थे, मेरे को अच्छी तरह याद है, देखो दो किस्म से प्रेसिडेंट होते हैं, एक को पार्टी बढ़ाने की रहती और एक को अपने को बढ़ाने का रहता है। तो रऊप भाई जब प्रेसिडेंट थे ना, उनको पार्टी बढ़ाने की थी, और अभी जो दूसरा प्रेसिडेंट है ना, उसको खुद को बढ़ाने का है। जब किसके अंदर मैंपन आ जावे ना, कुछ भी नहीं है कि मैं अल्लाह को भी पसंद नहीं, यानी कि मैपन में जो है वो पार्टी खत्म हो रही है। पार्टी पूरी MIM को 3 साल से इन लोग ने खत्म कर दी है, पर आज उनसे ज्यादा जो ना आप पार्टी चल रही होगी भाई साहब, इतना इन लोग ने ना मीटर को डाउन कर दिया, मतलब काम को इतना डाउन कर दिया। देखो काम पे कोई है नहीं, पर अभी उधर पे गटर के ऊपर वो बन गया बैठने के लिए, अपन उस पर उंगली कर रहे हैं, मगर मैं क्या बोलता हूँ, गटर पे बना किधर ही बना, अपने वार्ड में अपने शहर में कुछ तो बना। उनका जिस आप शायद जावेद सिद्दीकी के बारे में बोल रहे हैं, नाम नहीं लिया, इशारा वहीं पर है, तो वो जो भी कर रहे हैं तो उनका ऐसा कहना है कि बने, लेकिन वो इलीगल तौर पर ना बने, वो लीगल रहे ताकि रहे कुछ चीज। अरे कैसा ना समुदी भाई, जब कोई चीज के काम निकलता है और जब उसका फाइल बनाते हैं जी समझे, फिर उसको आगे प्रोसीजर होता है, उसका बजट मिलता है। मैंने वही तो आपको बोला ना, जैसे वो भले गटर बना हुआ, गटर पर तो म्यूनसिपालिटी का ना, पर गटर भी म्यूनसिपालिटी, तो मैं वो गटर के ऊपर जो बना है वो चीज रहन दो ना। आज उधर के नशे में न्यू नशे मन तनवर नगर, वहाँ के लोग बैठ रहे हैं, पेपर पढ़ने में जगह मिल रही है किसको, बराबर, बैठ रहे अपने लोग ही बैठ रहे ना। ये तुमको पर्सनल एक दुश्मनी राष्ट्रवादी से, फोटो वोटो भी निकलवा दिए। हाँ तो राष्ट्रवादी से एक पर्सनल दुश्मनी है कि तुम, या तुमको वहां से लड़ने का हो तो तुम्हारे सामने का वो कैंडिडेट होएगा, इसलिए तुम उंगली कर रहे हो। एक शहर में अच्छी चीज बनी, एक वार्ड में अच्छी चीज बनी, उसको रहन दो, ठीक है। वो अपने लोग ही यूज कर रहे। अभी मैं भी जाके बैठूंगा तो तुम बोलेंगे बीटीएम बैठे MIM की, मैं तो बोलूंगा मेरे वार्ड में बना, मैं बैठूंगा। आपके वार्ड में तो बैठ सकते हैं ना? तो मैं तो बैठूंगा मेरे वार्ड में, क्योंकि अच्छी चीज बनी ना, वार्ड में क्या कहीं भी बैठ सकते, शहर में तो बैठ सकते। तो मगर ये तो बोल रहा ना, क्यों इसको ऐसी जगह उंगली करो जो समझ में भी आए। जब भी तुमने बिल्डर का मुद्दा लिए थे, बिल्डर का मुद्दा उठा क्या, 19 तारीख को तुम्हारा आंदोलन नहीं दिखा, आज 12 तारीख है, 6 दिन का फिर 19 तारीख लग जाएंगे, तो 1 महीना होगा तुमने आंदोलन ही नहीं किए, तो जाहिर से कहा सेटअप हुएंगे तुमने, इसलिए तुम आंदोलन नहीं कर रहे। अच्छा तो आने वाले चुनाव को लेकर, कॉरपोरेशन चुनाव को लेकर किस तरह से MIM की तैयारी है, चाहे ए और बी दोनों टीम के बारे में आपको जानकारी हो तो बता दीजिए। देखो मैं तो अभी भी ये बोलना चाहूँगा इंशाल्लाह कि मैं MIM से ही लड़ूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि टिकट विकेट इनके हाथ में नहीं है, जो असद साहब हैदराबाद से लोगों को भेजते ना, वो टिकट का फाइनल करते हैं। पर ये कितना ही बजे नूरानी होटल पे खड़ो के भाई बोल दिया ना, उसको ही मिलेंगी। अरे चल हैदराबाद वाले जो बोलेंगे ना, और जिसकी नसीब में अल्लाह लिखेंगे उसी को मिलेगा। तो मैं पूरी ताकत से पहले ही सेटअप हो जाते, पूरा हैदराबाद से लोग आते हैं, जैसे मैं पिछले टाइम MIM में नहीं था तो मेरे ख्याल से रॉयल क्लासिक में वहाँ लोग रुके थे, हैदराबाद से जो लोग आए थे उनने जो है टिकट को फाइनल की थी, बराबर, वो उनके हाथ में है। अभी यहाँ खड़े होके खाली बजते रहने का फेसबुक व्हाट्सअप, कभी जमीन पे आके काम किए क्या? पिछले इलेक्शन में एक एक कैंडिडेट को जो है 3,000-5,000 वोट मिले,
500 की लोग के भी कांटेक्ट में रहते हैं इन लोग, सिर्फ भीमबर फेसबुक व्हाट्सएप। अरे तुम खुद आवाज साहब को चला रहे फेसबुक पे, हाँ तुमको जब तुम्हारी वो पार्टी को हमारी खत्म करने का आवाज साहब की लीडरशिप देते एमएलए नहीं चाहिए तो मत चलाओ, उनका जिगर ही बंद कर दो। तुम तो दिन भर फेसबुक चालू करोगे, ऐसा किया वैसा कर डाला, मतलब उनका नाम घर घर पहुंचा रहे, ये खुद ही पहुंचा रहे। तो इसलिए तो बोला महीने का लिफाफा इनको आ रहा है अपने आप, इसलिए तो आवाज साहब चल रहे। लिफाफा कौन ले रहे? वो एनसीपी से आ रहा ना, कोई उसमें नाम नहीं होगा ना, नाम नहीं। कुछ लोग है यहाँ की एमआईएम की टीम है, वो टीम को मिलता है या टीम को एक को मिलता है? टीम को नहीं मिलता है, इसमें कुछ लोग हैं, इसमें कुछ लोग हैं दो जन जिनको मिलता है, समझे? कम देते हैं अभी ये सब। मैं इस्लाम में पूछो देखो, ऐसा ना मेरे भाई हो, आपके पास सबूत है या फिर ऐसे हवा में? सबूत तो ऐसा ना, जब मेरे को बोलेंगे ना मैं जब लेके आऊंगा इंशाल्लाह। अभी आप भी तो वहां खड़े थे ना यहाँ पे, जब टोरेंट में आंदोलन हुआ, जावेद सिद्दीकी साहब को कोई गाली गलौज कर रहा था, वो इतना बड़ा मेरे वालिद साहब, मेरे मरहूम वालिद साहब का दोस्त थे वो जावेद सिद्दीकी साहब, पर उसको गाली गलौज कर रहा, उसके बड़े भाई का उम्र का, उसको अक्कल है, उसने तो पूरी पार्टी की नस्तियार कर दिया। साजिद अंसारी, इनका साफ तौर पर ऐसा कहना है कि एमआईएम पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं जो नहीं बढ़ रही है मुमरा कौसा में, कहीं ना कहीं उसमें हमपन है। और अभी फिलहाल जो है एमआईएम पार्टी में कलवा मुमरा के जो अध्यक्ष सैफ पठान हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि अभी कोई अध्यक्ष जो है इसमें नहीं है, यानी कि जो बॉडी थी वो डिसॉल्व हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि जो आने वाला कॉरपोरेशन चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, मुमरा कौसा को लेकर किस तरह से एमआईएम पार्टी का रोल इसमें नजर आता है, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि जो कैंडिडेट खड़े होते हैं एमआईएम पार्टी के, वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादातर संदेह के घेरे में रहते हैं। लोग सोचते हैं कि वोट करे ना करे, क्या करे, क्योंकि एंड टाइम पर पिछली बार जो चुनाव हुआ उसमें जो कैंडिडेट थे वो गायब हो गए थे। बहरहाल आने वाला कॉरपोरेशन चुनाव और जो विधानसभा चुनाव रहेगा, इसमें एमआईएम की जो भाग है वो देखने लायक है।